बात करते हैं आगरा की, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जामा मस्जिद प्रकरण से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, मुस्लिम पक्ष ने प्रार्थना पत्र दाखिल किया। 25 अगस्त को जामा मस्जिद प्रकरण में अब अगली सुनवाई होगी। कथावाचक ठाकुर देवकी नंदन ने दावा किया है जामा मस्जिद की सीढ़ियों में केशव के विग्रह होने का दावा किया गया है। सुनवाई न्यायालय में हुई और तृतीय पक्ष ने एक एप्लीकेशन, जुनेद नाम के व्यक्ति ने एक एप्लीकेशन लगाई कि मुझे भी इस केस में पक्षकार बनाया जाए, उस पर हम लोगों ने आपत्ति की। फिर उसके बाद एक वादी की तरफ से एक एप्लीकेशन मेरे द्वारा लगाई गई कि आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा उसका इन्वेस्टिगेशन कराया जाए, जिससे ये मालूम पड़े कि सीढ़ियों के नीचे केशव के विग्रह बंद है कि नहीं है। इस बात को खुलवाने के लिए उनके टेक्नीशियन द्वारा ये चेकिंग की जाए कि वास्तव में विग्रह सीढ़ियों के नीचे है कि नहीं। इस बात की एप्लीकेशन की सुनवाई के लिए न्यायालय ने 25/8/2023 डेट नियत की।